नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ी जानकारी आ रही है, खासकर पाकिस्तान और कांग्रेस के संबंध के बीच में। यानी पहले तो चाइना के साथ राहुल गांधी का नाम जुड़ चुका था, क्योंकि 2008 में जो 26/11 का मसला हुआ, जो अटैक हुआ मुंबई पर आतंकवादियों का हमला, उसके पहले ठीक पहले बताया जा रहा है कि राहुल गांधी और चाइना की जो कम्युनिस्ट कांग्रेस पार्टी, इनका आपस में एक एग्रीमेंट हुआ, समझौता हुआ, जिसके काफी सारे फोटोज फोटोग्राफ्स वायरल हो गए थे। खैर, वो अपनी जगह पर मसला है। अब नया मसला एक और आ रहा है, कांग्रेस पार्टी का हाथ ये सीधा सीधा पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान में सत्ता में बैठे इमरान खान के साथ जुड़ता हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अभी कुछ ही समय पहले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, इनका एक बयान आया। इन्होंने कहा कि जब हम मुख्यमंत्री थे तो उस समय हमें पाकिस्तान की तरफ से फोन किया गया था, यानी पाकिस्तान सरकार की तरफ से, और ये कह रहे हैं कि इन्हें कहा गया था कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं उनके पुराने मित्र हैं नवजोत सिंह सिद्धू, उन्हें कैबिनेट में मंत्री बनाया जाए, और अगर वो काम न करे तो भले फिर उसके बाद उन्हें फिर निकाल दिया जाए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि हमारे पुराने मित्र हैं तो आप उन्हें जरा पंजाब के कैबिनेट में ले ले। यानी अब ये ऐसा चक्कर कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को कहा जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू को ले लो, अभी आप समझे कि इमरान खान और ये, या फिर वो कर्नल बाजवा वहां पर जो गले मिल रहे थे, कि क्या पूरा मसला है, ये पूरा वाक्या, ये पूरा चित्र अब स्पष्ट रूप से साफ साफ दिखाई देने लगा है। हमारी ये जानकारी के विषय में आपके सामने पहले आप एक छोटा सा वीडियो आपके लिए लाए हैं, आइए पहले वो देखते हैं। मुझे कुछ आई थिंक इट वॉज अबाउट 2-3 weeks और 4 weeks लेटर और समथिंग लाइक दैट, आई गेट अ मैसेज फ्रॉम समबडी वी नो, ही नोज एंड आई नो, एंड उसे उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि अगर सिद्धू को आप अपने गवर्नमेंट में ले सकते हो तो ले लो, और अगर काम नहीं करेगा निकाल देना। ये मैसेज था मेरे लिए, उसमें अगर मिस्टर सिद्धू काम नहीं करेगा तो निकाल देना। मैं और कहां से, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, आई एम टेलिंग अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान से मैसेज ये आया मुझे कि द प्राइम मिनिस्टर हैज सेंट अ रिक्वेस्ट कि इफ यू कैन टेक सिद्धू इन टू योर कैबिनेट आई विल बी ग्रेटफुल, ही इज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, और अगर आप अगर वो काम नहीं करेगा तो उसको निकाल देना। दैट वॉज वॉट द मैसेज विच केम एंड दैट। हाँ, तो दोस्तों अभी आपने देखा ये बयान था कैप्टन अमरिंदर सिंह का, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, और इसके ये सब करने के बाद भी जब उन्हें दोबारा से मंत्री नहीं बनाया गया, या जो भी उन्हें कोई स्थान नहीं दिया गया इमरान खान की सिफारिश के बावजूद, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ये देशभक्त माने जाते हैं, इन्होंने उनकी सुनी अनसुनी कर दी, और इसके बाद ये जा करके गांधी परिवार के पैर चाटने लगे, तलबे चाटने लगे, और पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बन गए। उसके बाद इन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को वहां पर तंग करना चालू किया, उनके काम में हस्तक्षेप करना चालू किया, ये सब आपने देखा। किस तरह से इन्हें हटाने के बाद उन्होंने वहां पर चन्नी को लाया, और चन्नी को वहां लाने के बाद, मुख्यमंत्री बनाने के बाद, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सिद्धू चुनते हैं, मुख्य सचिव सरकार का सिद्धू चुनते हैं, हर चीज नवजोत सिंह सिद्धू चुनते हैं। किसके तरफ से, इमरान खान की तरफ से? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि भारत के आंतरिक मामलों में अगर पाकिस्तान इस तरह से हस्तक्षेप कर रहा है, तो चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, और कांग्रेस चाइना और पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई पार्टी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, जो कि भारी ताकतों, विदेशी ताकतों, विदेशी मुल्कों के तरफ से भारत में काम करती हुई स्पष्ट रूप से उनका चेहरा उजागर हो चुका है। उनका जो चेहरे के सामने जो पर्दा वो लगा करके बैठे थे इतने पिछले 70 सालों से, वो बाकायदा पूरी तरह से खुल चुका है, पर्दा फाश हो चुका है कांग्रेस का, इस तरह से कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। क्या 70 साल से वो विदेशी ताकतों
के एजेंट बनकर, उनके प्रतिनिधि बनकर यहाँ पर राज कर रहे थे। ये तोड़ मरोड़ की राजनीति, हिंदुओं को जाति जाति में बांटना, मुसलमानों को एक करना और मुसलमानों का वोट बैंक बनाना, क्या ये सब देश के हित में था कि इतने सारे घोटाले, हजारों करोड़ के घोटाले आए दिन इनके, जब से राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे उसके बाद आए दिन रोज घोटाले ही घोटाले निकलते थे। उस समय एडवोकेट राम जेठमलानी थे सीनियर काउंसिल, वो रोज एक सवाल किया करते थे राजीव गांधी से, प्रधानमंत्री राजीव गांधी से, और रोज सभी जनता भारत की उठ करके वर्तमान पत्र न्यूज़पेपर में सुबह सुबह उनका सवाल पढ़ा करते थे, लेकिन उसमें से एक भी सवाल का जवाब उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने नहीं दिया, चाहे वो फेयरफैक्स का घोटाला हो, चाहे वो बोफर्स का घोटाला हो, अनेक तरह तरह के। अभी अब अगर आप देखेंगे कि 2000 के बाद पहले ही दशक में कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, फ्रिज बनाई करोड़ों करोड़ों की जिसकी कीमत कुछ लाख भी नहीं थी, कहां गए ये पैसे? कांग्रेस और यही एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की सत्ता थी महाराष्ट्र में भी और केंद्र में भी, सब इस तरह की परिस्थितियां कि देश के जनता का हित, देश का हित, राष्ट्र का हित ये दूर रख करके सिर्फ खुद के विषय में सोचना, क्या यही काम है गांधी परिवार का, कांग्रेस पार्टी का? क्या इन्हीं नीतियों से ये लोग चलते आ रहे हैं 70 सालों से? इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो पूरे योगदान था उसे पूरा छुपाया, दबाया, और महात्मा गांधी के चरित्र को, इमेज को बहुत बड़ा बनाया, लार्जर देन लाइफ। क्यों? क्योंकि इनकी जो सरनेम है वो गांधी थी नहीं, इन्होंने तो उनसे उधार ली भी थी, इनका कोई संबंध नहीं महात्मा गांधी से। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, सही सही इतिहास के पन्ने अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगी बात, नेताजी सुभाष चंद्र बोस खुद को ब्रिटिश के सर पर तांडव करके, नाच करके, ब्रिटिश के खिलाफ जा करके, अंग्रेजों के खिलाफ जा करके खुद को भारत का पहला प्रधानमंत्री घोषित किया था। ये बात कांग्रेस ने नहीं जाहिर की, नहीं घोषित की, नहीं डिक्लेयर की। क्यों? ये तो कहते हैं अरे वो तो अखंड भारत के प्रधानमंत्री थे, ये कहते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने कह दिया, सबने मान लिया। पाठशालाओं के पाठ्यक्रम में यानी स्कूल के सिलेबस में इन्होंने इस तरह की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। आप ब्रिटिश के एनसाइक्लोपीडियाज पढ़ेंगे अंग्रेजों के, या कई सारे विदेशी दस्तावेज, या फिर हिंदी और संस्कृत में लिखा गया इतिहास, वहां पर आपको ये सब जानकारियां मिलेगी। इसके व्यतिरिक्त कांग्रेस के ही नेता रहे हैं, सेवा दल के हो चाहे कांग्रेस पार्टी के हो, उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में, अपने आप बीती में ये सब जानकारियां दी है, वो भी पढ़ना जरूरी है। तो ये जो पूरी परिस्थिति देश के सामने इन्होंने बना करके रखी है पिछले 70 सालों से, डिवाइड एंड रूल, तोड़ो और राज करो, क्या ये कब तक चलेगा भारत में? पूजनीय डॉक्टर श्री बाबा साहेब अंबेडकर जी ने जो कष्ट किए देश के लिए, ड्राफ्ट कमेटी के साथ बैठ करके एक पवित्र संविधान बनाया और उसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश करके उसे पास करवाया, उस पवित्र संविधान में लिखा है कि कोई धर्म, कोई जाति, कोई लिंग के बेसिस पर कोई मतभेद नहीं होगा, उस आधार पर कोई मतभेद नहीं हो सकता। लेकिन मतभेद हो रहा है मुसलमानों के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड, क्यों भाई, क्यों अलग कानून चाहिए? महिलाओं के लिए अलग 3 तलाक क्यों चाहिए? इस तरह से क्यों चाहिए? सभी महिलाओं को एक नजर से देखा जाना चाहिए, एक ही तराजू में तोला जाना चाहिए। पुरुषों को अलग, महिलाओं को अलग, मुसलमानों को अलग, हिंदुओं को अलग, पारसियों को अलग, क्यों होना चाहिए ये? जब संविधान सबको, सभी भारतीय नागरिकों को एक नजर से देखना चाहता है, तोलना चाहता है, तो 70 साल से इसकी प्रक्रिया कांग्रेस ने क्यों शुरू नहीं की? क्या यही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी नहीं है? क्या यही भारत तोड़ो गैंग नहीं है, टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है? तो क्या है? इसका जवाब कौन देगा? ये पूरी जानकारी, ये हकीकतें भारत की जनता ने जानना और समझना बेहद जरूरी है। इसी वजह से हम ये सही सही जानकारियां आप तक लाने का काम कर रहे हैं। हमारी तरफ से हम प्रयास कर रहे हैं, आप सभी से निवेदन कर रहे हैं कि आप जो हमारा वीडियो देखते हैं, जरूर आपके जो कमेंट्स है, आपकी जो राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बताएं, ताकि हमें भी मालूम हो कि आपकी क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है, क्योंकि आपकी राय, आपका ओपिनियन और आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत अनमोल है। दूसरी बात, आप जब भी हमारे वीडियो देखते हैं, आपको कोई बात अगर सही लगती हो तो जरूर आप हमारे
वीडियोस को लाइक किया कीजिए, इस वीडियो को भी जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर भारतीय नागरिक को सही सही जानकारी प्राप्त हो सके। वो चाहे भारतीय नागरिक भारत के किसी भी कोने में, किसी भी प्रदेश में, किसी भी राज्य में रहता हो या फिर विदेश में रहता हो, भारतीय नागरिक होने के तौर पर उनका अधिकार है कि वो सही सही जानकारियां प्राप्त कर सके कि उनके साथ ये जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं या ये पार्टी के पदाधिकारी हैं, कोई भी पार्टी के हों, वो जनप्रतिनिधि होने के तौर पर, जनता को रिप्रेजेंट करने के तौर पर क्या काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर नागरिक को पूरी पूरी जानकारी प्राप्त हो सके, जो कि उनका मूलभूत अधिकार है। दूसरी बात, तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो पहला आइकन का स्विच दिया हुआ है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन यानी सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको सबसे पहले हमारे हर एपिसोड और हर वीडियो की नोटिफिकेशन यानी जानकारी प्राप्त हो और आप सबसे पहले हमारा वीडियो देख करके सही सही जानकारी प्राप्त कर सके। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।